हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एमडी सद्दाम इकानबेट हस। दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान कक्षा 10th का जो आज एग्ज़ाम हुआ 19 फरवरी प्रथम पाली का है। मेरे पास सेट एच है, आप लोगों के पास सेट जो भी हो, क्योंकि आज जो है यह क्वेश्चन बहुत वायरल हुआ था और इसका आंसर कुछ कुछ गलत बनाए थे लोगों ने, तो आज मैं सही उत्तर बताने वाला हूँ 1 से लेकर 80 तक के। 1-2 ऐसे क्वेश्चन हैं जो गलत हो सकता है, बाकी 100% सभी सही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम उद्योग में किस खनिज का उपयोग होता है? तो यहाँ हो जाएगा बॉक्साइट, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में किस राज्य में खनिज तेल अधिक सर्वाधिक भंडार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, असम में ज़्यादा अधिक है ना, सर्वाधिक भंडार है तेलों का। तीसरा में है, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो इसका कोयला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 4 का, इंदौर पतन स्थित कहाँ है? तो इंदौर पतन स्थित सी यानी तमिलनाडु होगा। 5 में किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? तो 5 का हो जाएगा ए, बेंगलुरु। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो 6 का हो जाएगा डी, केरल में। 7 का देखिए, 7 में है, निम्न राज्यों में से किसमें वन सबसे अधिक विस्तार है? तो क्या हो जाएगा, निम्न राज्यों में से यानी भारत के किस राज्यों में सबसे अधिक वनों का विस्तार है? तो 7 का हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश। 8 में देखिए, 8 में टैक्सोल का उपयोग होता है, टैक्सोल का उपयोग होता है कैंसर में। 9 में, समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था? तो ये हो जाएगा सी, 1992। 10 में, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा था? तो इसका हो जाएगा कौटिल्य, बी आंसर हो जाएगा। 11 में, बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है? तो 11 का हो जाएगा बी, भाषा। सामाजिक विभाजन का आधार भाषा। भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? तो जातिवाद है, संप्रदायवाद, भाषावाद, इनमें से सभी नहीं, जातिवाद सबसे अधिक प्रमुख लिखा हुआ ना यहाँ पर, इसलिए प्रमुख यानी कि जातिवाद। भारत में प्रमुख सामाजिक समस्या है जातिवाद। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो 13 का हो जाएगा डी, 1990। 14 में, बिहार का प्रसिद्ध पर्व क्या है? बिहार का सबसे प्रसिद्ध पर्व छठ है। 15 में, बिहार में कौन जिला केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? इसका हो जाएगा हाजीपुर, वैसे भागलपुर, लेकिन सबसे अधिक हाजीपुर हो जाएगा। 16 में, निम्न में कौन नदी बिहार से होकर गुजरती है? तो 16 को हो जाएगा राइट आंसर सी, है ना, गुमती नदी नहीं गुजरती है। 17, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो 17 को हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18 का,
18 में है भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर मयूर। 19 में निम्न में से किसका प्रयोग ताप शक्ति संयंत्रों के तापीय विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना का है 19 का हो जाएगा ए कोयला। उन्नीस का था ना, 20 का बताएंगे ना। दक्षिण भारत की नदी परियोजना 20 का हो जाएगा ए तुंगभद्रा परियोजना। 21 में बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? 21 का हो जाएगा राइट आंसर गया, सॉरी बरौनी में। 22 में जूट उत्पादन में कौन सा देश विश्व में अग्रणीय है? तो इसका हो जाएगा सी विश्व स्तर पर है। 23 में है अंगोरा ऊन का स्रोत क्या है? तो ये हो जाएगा खरगोश, अंगोरा खरगोश। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो इसका हो जाएगा कृष्णा नदी पर, कृष्णा। 25 में भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? तो 25 का हो जाएगा डी 1986 हो जाएगा। 26 में बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? तो हो जाएगा कृषि। 27 में पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग से आए जाते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र से, तृतीय द्वितीय नहीं, प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र और कृषि क्षेत्र मत्स्य पशुपालन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 का। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या था? तीव्र आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, निर्धनता उन्मूलन, इनमें सभी, यानी सभी भारत स्वतंत्र होने के बाद ये सभी का आर्थिक उद्देश्य था। 29 में किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहते हैं? तो 29 हो जाए डी मुंबई। सोने के जेवरों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? 30 का हो जाएगा सी होलोमार्क से ही चेक करते हैं, तो हॉलमार्क हो गया इसका। अगला क्वेश्चन देखिए 31 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 1995। 32 में निम्न में से कौन अधिक आध्यात्मिक खनिज है? तो 32 हो जाएगा सी अबरक। 33 में भोपाल गैस आपदा थी प्राकृतिक आपदा, सामान्य आपदा यानी कि मानव जनित आपदा, मानव द्वारा ही हुआ। 33-34 निम्न में कौन सा भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक है? तो जोन 3 हो जाएगा। 34 का हो जाएगा बी। 35 में तटबंधन के किनारे किस प्रकार की वनस्पति को सघन के रूप से लगाना चाहिए? तो 35 हो जाए ए मैंगोर्व। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ 36 में सर्वाधिक खतरनाक सुखार है सामान्य सुखार, कृषि सुखार, मौसमी सुखार, इसका नहीं यानी कृषि सुखार होगा। आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक है? तो 37 का हो जाएगा डी यानी कि मानवीय संसाधन डी। 38 में केंद्रीय सरकारी बैंकों का गठन होता है? तो ग्रामीण स्तर, राज्य स्तर, जिला स्तर। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर जिला स्तर।
3839 निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की व्यवस्था विशेषता है? तो 39 हो जाएगा डी। इनमें से सभी यानी सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, आर्थिक नियोजन। 40 का देखते हैं, भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया? तो प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा। तो प्रारंभिक शिक्षा होगा ए, यानी प्रारंभिक शिक्षा। 41 में असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? असल असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1920 में। 42 में किस देश ने न्यू डील नीति लागू की? तो इसका हो जाएगा ब्रिटेन, भारत, अमेरिका। अमेरिका हो जाएगा। 43 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब पूर्ण स्वराज की घोषणा की? 43 का हो जाएगा आपको 26 जनवरी 1929, 26 जनवरी 1931। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 43 का ए, 26 जनवरी 1929। 44 में निम्न में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं? तो सेवा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र। निम्न में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं? कृषि क्षेत्र को। 44 का हो जाएगा सी। 45 में भारत में नए आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किया गया? तो 45 का हो जाएगा 1991। 45 का हो जाएगा सी, 1991। 46 में किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के संसाधनों पर निजी व्यक्तियों या संस्थाओं का अधिकार होता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगा। यहाँ पढ़ के देख लीजिए, किस आर्थिक व्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों या संस्थाओं का अधिकार होता है? तो पूंजीवाद व्यवस्था और पूंजीवाद अर्थव्यवस्था। 47 में विनिमय का सर्वोच्च माध्य क्या है? तो इसका हो जाएगा मुद्रा सी। 48 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1975। 49 में यंग इटली की स्थापना किसने की? मेजनी, नेपोलियन, बिस्मार्क। तो इसका हो जाएगा 49 का बी, यानी मेजनी ने। 50 वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? मेटर्निक डी। 51 भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो 1981। बिल्कुल सही है आंसर। 52 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1944। 53 किस पत्रिका ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो इसका हो जाएगा अमित बाजार पत्रिका, ये सी हो जाएगा। किस पत्रिका ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो अमित बाजार पत्रिका। 54 में अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो कंबोडिया में है। 55 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 13 अप्रैल 1919। 56 में हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखा? तो महात्मा गांधी, भारत के राष्ट्रपिता। सामने हीराकुंड बांध बना है, तो कहाँ पर बना है? तो इसका राइट आंसर होगा महानदी पर। 58 में बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? जमालपुर, तो हाँ जमालपुर हो जाएगा यहाँ, बिल्कुल। 59 में कांटी तापीय विद्युत परियोजना
किस जिले में स्थित है? मुजफ्फरपुर में। किधर गया? सी, ये है मुजफ्फरपुर। 60 में निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है? प्राकृतिक आपदा, आग लगना, बम विस्फोट, भूकंप, रासायनिक दुर्घटना। सी हो जाएगा, भूकंप। ईश्वर द्वारा प्राकृतिक आपदा भूकंप हुआ। इकसठ में संचार का सबसे लोकप्रिय संसाधन क्या है? लोकप्रिय, टेलीफोन, वॉकी टॉकी, रेडियो, मोबाइल। तो आजकल के ज़माने में तो मोबाइल ही ज़्यादा चलता है, तो मोबाइल सबसे लोकप्रिय साधन होगा। और किताब में देखिएगा तो टेलीफोन होगा, ये सब नहीं होगा। पहले, इससे पहले टेलीफोन ही आता था और इससे पहले रेडियो आता था, लेकिन अब क्या होगा? अब होगा मोबाइल होगा। राइट आंसर बी। आंसर अब एग्जाम होने के बाद रिजल्ट जो आवे। 62 में है कोसी में बाढ़ आने का क्या कारण है? नदी में गाद जमना, अधिक वर्षा होना, हिमालय के बर्फ़ का पिघलना, यानी सभी, ये सभी के कारण कोसी बाढ़ में। अगला क्वेश्चन देखिए, महासागर की तली में होने वाले कंपन का परिणाम है? 63 का हो जाएगा सुनामी, हिमस्खलन, चक्रवाता, इनमें से कोई नहीं, सुनामी हो जाएगा। 64 में है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ये तो है बी, यानी कोसी नदी। लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई। वियना कांग्रेस में राष्ट्र कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो 66 को हो जाएगा डी, जर्मनी। 67 में संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर 1975। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 68 आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, राधाकांत विवेकानंद। तो ये हो जाएगा दयानंद सरस्वती। 69 में पहला वाष्प इंजन का किसने आविष्कार किया? ये तो हम चौथे पचवें में ही पढ़ रहे थे, वाष्प इंजन। तो इसका पहला आविष्कार करने वाला जेम्स वाट होगा। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा पत्रिका का प्रकाश किस भाषा में किया? मराठी में बी आंसर। 71 में निम्न में से कौन सबसे कठोर खनिज है? हीरा सबसे अधिक कठोर खनिज है। 72 में रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? रबर की खेती, तो इसका राइट आंसर जगह केरल में सबसे अधिक। ओह, केरल में। 73 में किस समिति की अनुशंसा पर पंचायतीय राज प्रणाली की शुरुआत की गई? तेंदुलकर समिति, वर्मा समिति, बलवंत राय मेहता समिति, राजा चलैया समिति। तो 73 का हो जाएगा बी, बलवंत राय मेहता समिति। 74 में झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? इसका तो आप लोग जानते हैं, 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। 74 का हो जाएगा सी। 75 लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? सरकार, न्यायपालिका, संविधान, राजनीतिक दल। तो राजनीतिक दल है लोकतंत्र का प्राण। 76 में बोलिया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? पानी की कीमत में वृद्धि, खाद्यान्न की कीमत में वृद्धि, पेट्रोल की कीमत में वृद्धि, जीवन रक्षक दवाओं की कीमत में वृद्धि। तो इसका राइट आंसर होगा ए, पानी की कीमत में वृद्धि। 77 में दल बदल कानून निम्नलिखित में किस पर लागू होता है? तो सांसदों एवं विधायकों पर। ये सब नहीं होगा, यानी ए होगा। 78 में लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसने कहा? अब्राहम लिंकन ने। बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, जब बी हो जाएगा अब्राहम लिंकन ने।
राशि में पंचायतीय राज व्यवस्था का निम्न स्तर, निम्न माने छोटा स्तर क्या होगा, छोटा स्तर ग्राम पंचायत होगा, जिला स्तर जिला पर, पंचायती राज पर पंचायत और ग्राम पंचायत, देखिए यही यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत। निम्न स्तर, निम्न स्तर पंचायती राज व्यवस्था निम्न स्तर सी हो जाएगा। लास्ट है श्रीनगर पालिका किस अनुसूची से संबंधित है, तो इसका राइट हो जाएगा सी 12वीं अनुसूची में। तो आप लोग देख लिए पूरा वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। कमेंट में बताइए क्या सही क्या गलत, कैसा एग्जाम गया। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो के लिए, अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।